नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता। स्वागत करती हूं माहिया लाइफ कुकिंग चैनल में। दोस्तों, आज एक चटपटा सा अचार की रेसिपी लाई हूं, जिसे आप तुरंत बना के तुरंत ही खा सकते हैं। दोस्तों, ये इंस्टेंट जल्दी बनने वाली अचार हमने गाजर, मूली और मिर्च से बनाया है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप तुरंत के तुरंत ही अचार बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, तीखा, चटपटा सा अचार है। तो चलिए देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हम सारे खड़े मसालों का उपयोग करेंगे। तो एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच मेथी, एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, 7 से 8 हम इसमें काली मिर्च का ले लेंगे, एक चम्मच राई और एक चम्मच पीली सरसों का उपयोग करेंगे। इन सबको हल्का भून लेंगे खुशबू आने तक। बस इसका नमी निकालना है। तो हमने मसाले को भून लिया है, अब गैस को बंद कर देते हैं, मसाले को ठंडा होने देते हैं। एक मूली हमने छील लिया है और 4 छोटे आकार के गाजर को हमने ले लिया है। 50 ग्राम हरी मिर्च है, हमने तीखी वाली हरी मिर्च नहीं लिया है, तो इसे कट कर लेते हैं। तो हम लंबे आकार में इसका कट कर लेंगे, जिसे हम फिंगर कट भी कहते हैं। तो गाजर काट लिया, मूली काट लिया है, अब गाजर को भी इसी तरह से हम कट कर लेते हैं। ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। हरी मिर्च को हम बीज से फाड़ लेंगे। हमने बीज नहीं निकाला है क्योंकि हमारी मिर्च तीखी नहीं है। 2 इंच अदरक के टुकड़े को भी जूलियस कट में कट कर लेंगे। देखिए, हमने एकदम नॉर्मल आकार रखा है गाजर, मूली और हरी मिर्च का, जिससे इसे बनाने में आसानी होगा और इस जल्दी गलेगा। हमारा मसाला भी हो गया है रेडी, तो उसे हम दरदरा होने तक पीस लेते हैं। हमारे चैनल पर एक मटर और हरी मिर्च की बहुत ही टेस्टी अचार की रेसिपी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर देखिए। तो हमने दरदरा पीस लिया है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें अब कुछ मसाले और मिलाएंगे। तो हमने 1 चम्मच आमचूर का उपयोग किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तीखी मिर्च का उपयोग नहीं करना है क्योंकि हमने मिर्च का उपयोग किया है। और 1/2 चम्मच अजवाइन मंगरीला का ले लेंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप इस तरह के मसाले बना के एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और कभी आलू या सीम वगैरह के साथ बना के खा सकते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 कप हमने सरसों का तेल गरम किया है और इसमें 1/2 चम्मच हम हींग डालेंगे। हींग के चटकते ही इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे। हमें इसे 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। आंच को हल्का कम रखिएगा, ज़्यादा तेज आंच पर हमें नहीं बनाना है। 2 मिनट के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच विनेगर। हमने सफ़ेद विनेगर को उपयोग किया है, इसमें सफ़ेद विनेगर ही डालें और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे 2 मिनट तक और भूनेंगे। टोटल हमें 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके जो हमने अचारी मसाला तैयार किया है वो मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। याद रहे, आंच हमें लो मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज आंच पे हम इसे नहीं पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन जाती है दोस्तों। अगर आपको अचार और इन सर्दियों में तो हमेशा गाजर, मूली, हरी मिर्च आती ही है, तो इस तरह से आप बना करके थोड़ी थोड़ी बनाएं और इसे रखें कंटेनर में और खाते रहें। तो इसी तरह हम इसमें सारे मसाले को डाल देंगे और 30 सेकेंड और चलाएंगे। लीजिए, अब हम आंच बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, तैयार है सुपर टेस्टी, बहुत ही अच्छी चटपटी सी अचार। तो आप इसे कंटेनर में सर्व करें और इसे खाएं। आप एक बार इस अचार को आप ज़रूर बनाएं, अपना अनुभव हमें बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।